इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सात सौ नौ दिन बाद मिला है सबसे बड़ा मौका। फाइनल की जंग, विराट रोहित उड़ाएंगे जीत के रंग। कप्तान कोहली ने दिया जीत का विराट मंत्र। कीवियों को हराएंगे, टेस्ट के पहले बादशाह हम बन जाएंगे। एक सौ चौवालीस साल का है क्रिकेट का इतिहास। आखिरी लड़ाई में कोहली एंड कंपनी जरूर होगी पास। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस खास पेशकश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसको हम कह रहे हैं टेस्ट का वर्ल्ड कप में आप सबका स्वागत है। और खास अंदाज और सबसे बेहतरीन स्टूडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि साउथहैम्पटन में आज से शुरू होने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। लेकिन थोड़ी सी बुरी खबर साउथहैम्पटन से आ रही है, उसके अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं, अगर सब कुछ सही होता यानी कि आसमान से अगर बादल और बादल से बारिश नहीं टपक रहे होते तो इस वक्त हम टॉस की बात कर रहे होते। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि क्या माहौल है वहां पर इस वक्त साउथहैम्पटन के। अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो सुबह से ही यहां पर बारिश लगातार हो रही है। और खास बात यह है कि ये बारिश का जो अनुमान है, जो पूर्वानुमान है, वो ये बता रहा है कि करीब 80 से 90 फीसदी आज बारिश के चांसेस हैं। तो दोस्तों, अगर 80 से 90 फीसदी बारिश के जब चांसेस होते हैं इंग्लैंड में, तो इसका मतलब होता है कम से कम 4 से 5 घंटे की बारिश लगभग होगी। और 4 से 5 घंटे की बारिश होने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा मैच जो है पहला दिन का, वो धुल सकता है। और पहला सत्र जहां पर टॉस होना था उसका धुलना लगभग तय है, यानी कि मैच अब देरी से शुरू होगा। टॉस तय वक्त पर नहीं हो पाएगा, जो कि 2:30 में हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने संवाददाता वैभव भोला के पास भी चलेंगे थोड़े से और अपडेट्स के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं और उसके बाद कुछ तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी आपके लिए लेकर आए, वो भी देखेंगे। लेकिन वैभव, क्या है पहले सत्र की खबर? क्या टॉस होगा, कितने बजे होगा, कोई ऐसी खबर आई है या अभी सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार किया जा रहा है? देखिए सर, इंतजार तो हमें था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला है 2:30 पर टॉस होगा और 3 बजे वो जो पहली गेंद का इंतजार हमें पिछले 2 सालों से है वो गेंद डाली जाएगी। लेकिन साउथहैम्पटन की अगर हम मैं बात करूं, कल से यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, आज सुबह भी काफी देर बारिश हुई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब से कुछ देर पहले जो तस्वीरें साउथहैम्पटन से सामने आई थी उसमें ये था कि बारिश फिलहाल रुक चुकी है। लेकिन एक बुरी खबर ये भी है कि जो पहला सेशन जिसकी जो 3 बजे आगाज होना था और 5 बजे उसे खत्म होना था, वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो चुका है। क्योंकि जो ग्राउंड की कंडीशंस हैं, बारिश भले रुक गई है, पिच जरूर ढकी हुई है, लेकिन जो ग्राउंड था उसको नहीं ढका गया था, जिस वजह से जो पूरा ग्राउंड है वो गीला है, जो आउटफील्ड है वो गीली है, जिस वजह से आप पहला सेशन पूरी तरीके से मिस करेंगे। और थोड़ी बुरी खबर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का खेल शुरू हो पाएगा इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हम वेदर रिपोर्ट लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इंग्लैंड में जितने भी हमारे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए, उनसे जो हमें अपडेट्स मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आज का खेल शायद ही शुरू हो पाए। क्योंकि जो बारिश की संभावना है वो सिर्फ अभी के लिए नहीं है, वो पूरे दिन के लिए संभावना है। और कई कुछ घंटे तो ऐसे हैं जहां पर 100% चांसेस ऑफ रेन है, यानी कि 100% ऑफ चांसेस रेन इन साउथहैम्पटन या इंग्लैंड का मतलब होता है कि 101% बारिश वहां पर गिरेगी। बारिश कल से गिर रही है, बारिश आज भी गिरी थी, तो अब आगे मानकर भी जो वेदर फोरकास्ट है उसमें बारिश की पूरी तरीके से संभावना है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक चिंता है, एक डर है कि आज का खेल
शायद ही हो पाए। और अब से कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं उन्होंने अपडेट दिया था कि भैया आज का खेल तो ना बहुत मुश्किल है, तो वो इस दौरान उन्होंने कॉफी ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं, वो कॉफी पी रहे हैं, अपने जो स्नैक्स है वो खा रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि आज का खेल शुरू हो पाएगा क्योंकि बारिश एक बहुत बड़ी विलन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला 144 साल में पहली बार टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो अब जो डर है सिर्फ यही है कि कहां कहीं बारिश पूरी तरीके से इस खेल को इस मैच को जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला दिन का खेल का जो अपडेट है वो थोड़ा सा यहां पर बुरा सा लग रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल में जो कि टेस्ट का वर्ल्ड कप है पहला दिन थोड़ी सी मायूसी हम सबको हो रही है क्योंकि बारिश की आशंका लगातार बनी हुई है। हालांकि बारिश अभी थम सी गई है जैसा कि वैभव ने बोला। वैभव हम आपके पास लौटेंगे लेकिन हम अपने खास अंदाज में मौजूद है इंडिया टीवी पर अपने खास पेशकश के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इस फाइनल मुकाबले के लिए। लेकिन फिलहाल बारिश वहां पर हो रही है और हो सकता है मेरे दोस्तों कि पहले दिन का खेल जो है वो धुल जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं, एक स्टैंड बाय दिन भी है। 22 को ये मुकाबला खत्म होना है औपचारिक तौर पर, लेकिन अगर बारिश की वजह से एक दिन खराब होता है तो 23 तारीख तक इस मैच को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें वक्त हमारे पास है। अब इंतजार है कि बारिश रुके, आउटफील्ड वहां पर सूखे थोड़ा सा, ड्रेनेज सिस्टम बहुत मस्त है वहां पर, तुरंत पानी जो है बाहर निकल जाता है, मैदान सूख जाता है 45 मिनट से एक घंटे के अंदर, तेज से तेज बारिश के बाद भी मैच शुरू हो सकता है। तो ये तो बात है, अभी फिलहाल साउथहैम्पटन के स्टेडियम से आपके लिए अपडेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले के। पहले दिन का टॉस अभी नहीं हो पाया है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बोला न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थोड़ी कॉफी की चुस्की ले रहे हैं, तो चलिए हम थोड़ी क्रिकेट की चुस्की ले लेते हैं यहां पर और बात करते हैं हमारे दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों की जो पूरा दम तो लगाएंगे लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि ये दोनों हमें पहली बार 144 साल में टेस्ट का शहंशाह बनाकर ही वापस हिंदुस्तान आएंगे। साउथहैम्पटन में बारिश की बूंदें विराट के हौसले को डिगा नहीं सकती। मौसम का मिजाज कैसा भी हो टीम इंडिया के हिम्मत को तोड़ नहीं सकती। टीम के हर खिलाड़ी का जोश हाई है। बारिश की ये बूंदें जब थमेंगी तो भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से रनों की बारिश पक्की समझिए। वैसे विराट के बल्ले से रनों की बारिश का मतलब टेस्ट चैंपियनशिप भारत के नाम होना। विराट रन मशीन कोहली, विराट टन मशीन कोहली। बल्लेबाज विराट ने तो दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया है। हर देश में विराट कोहली के नाम रिकॉर्ड है, लेकिन बतौर कप्तान अब भी ICC की ट्रॉफी जीतने को बेकरार साउथहैम्पटन में विराट पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी है। ऐसे में इंग्लैंड की धरती पर विराट के रिकॉर्ड को देखना बेहद अहम होगा। विराट ने इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 36.35 की औसत से 727 रन बनाए हैं। इस दौरान विराट ने बर्मिंघम और नॉटिंघम में शतक जड़ा है। साउथहैम्पटन में विराट ने 2 टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 171 रन बनाए हैं जिसमें एक अर्धशतक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट का बल्ला और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। कीवियों के खिलाफ विराट की डबल सेंचुरी इस बात का सबूत है। विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 51.53 की बेहतरीन औसत से 773 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट के नाम 3 शतक और 3 अर्धशतक है। विराट का न्यूजीलैंड के खिलाफ बेस्ट स्कोर 211 रन है। विराट के अलावा रनों की बारिश की जिम्मेदारी रोहित शर्मा पर भी है। रोहित टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं, ऐसे में उनको ज्यादा समय तक क्रीज पर रुकना होगा। पिच की उछाल और रफ्तार को समझना होगा, अच्छा फुटवर्क, नई गेंद को खेलने की तकनीक और सिम और स्विंग को समझना होगा। रोहित के लिए अच्छी बात यह है कि वो लेट खेलते हैं, गेंद को बल्ले तक आने का इंतजार करते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को रोहित ने मैच की शुरुआत में रोक लिया तो भारतीय टीम के लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। रोहित ने बतौर ओपनर 11 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 4 शतक लगाए हैं। रोहित ने 211 रन की बेस्ट पारी बतौर ओपनर ही बनाई है। अभी तक रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 4 सीरीज में ओपनिंग की है, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ रोहित ओपनिंग कर चुके हैं। इन सभी सीरीज में रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है। रोहित के लिए मौजूदा साल भी अच्छा रहा, उन्होंने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में शानदार शतक जड़ा है। What a test mate it's been.
रोहित ने 2021 में खेले 6 टेस्ट मैच में 47.40 की औसत से 474 रन बनाए हैं, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 161 रन की पारी भी शामिल है। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां 60 की बेहतरीन औसत से 360 रन बनाए हैं। रोहित इंग्लैंड के चैलेंज को जानते हैं। ड्यूक बॉल जल्दी स्विंग करती है, उनको कंडीशन से जल्द तालमेल बैठाना होगा। इंग्लैंड में जरूरी है कि खिलाड़ी एक समय पर एक सेशन पर ही फोकस करें। ओपनर्स को यहां फ्रंट फुट पर डिफेंसिव क्रिकेट खेलना होगा, गेंद को शरीर के करीब लाना होगा और अपने ऑफ स्टंप पर ध्यान देना होगा। टीम इंडिया भले ही जोश में है, टीम का मोराल और फॉर्म चाहे जितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन विराट को याद रखना होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के सफर में न्यूजीलैंड पर विजय अभी बाकी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां दोनों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। साफ है, फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों को जोश के साथ होश से भी काम करना होगा, तभी टीम साउथहैम्पटन में तिरंगा लहरा सकेगी। ये तो ऐसे शूरवीर हैं टीम इंडिया के, जो सिर्फ ना जीत के मंत्र हैं टीम इंडिया के लिए, लेकिन इसके अलावा कई और ताकतें हैं टीम इंडिया के पास। चाहे वो जसप्रीत बुमराह की बात करें, चाहे वो ऋषभ पंत की बात करें, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे पास हैं जो टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं अकेले दम पर। तो ये खासियत है टीम इंडिया की। न्यूजीलैंड की तरफ अगर हम देखें तो पूरी की पूरी नजरें जो है सिर्फ केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट पर गड़ी रहती है। तो हिंदुस्तान की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस फाइनल मुकाबले से पहले, और न्यूजीलैंड पर ऐसा लगता है कम से कम कागजों पर कि भारी पड़ेगी। लेकिन ये ना भूले कि न्यूजीलैंड ने इस सफर में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का था उसमें टीम इंडिया को हराया था। एक इकलौती टीम जिसने हमें मात दी वो थी न्यूजीलैंड, जिन्होंने अपने घर में हमको 0-2 से हराया था। लेकिन फिलहाल टीम के जो 11 खिलाड़ी है ना, वो पहले ही हमने घोषणा कर दिए, ऐलान कर दिए थे विराट कोहली ने, और उसके बाद कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो क्या क्या कहा विराट कोहली ने, उनमें से एक बात आपको सुनाते हैं। ये एक वन ऑफ टेस्ट के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 6 टेस्ट मैच खेलने के लिए आए हैं इंग्लिश समर एंड होने तक, और वो 6 में से पहला टेस्ट कल होने वाला है। और जैसे मैंने बोला, आप एक टेस्ट जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि अपना या तो पूरा टीम प्लान बदल देंगे या टीम कॉम्पोजिशन बदल देंगे या खेलने का तरीका बदल देंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता है उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है और कैसे उन स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करना है, और वो करेंगे ये 6 टेस्ट मैचेस के पीरियड में। हम लोग सिर्फ एक प्रोसेस जो हमने क्रिएट किया है एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने का, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और यही एक रीजन है जहाँ पे ऋषभ पंत जैसे प्लेयर या रोहित जैसे प्लेयर या शुभमन जैसे प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में क्रूशल मोमेंट्स में उन्होंने अटैकिंग इनिंग्स खेली और टेस्ट मैच जिताए, जहाँ पे बाहर लोगों को लग रहा था कि शायद ड्रॉ कर लें या बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं इसी डिवाइड की बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स कहाँ यूटिलाइज करनी है और हमारा क्या माइंडसेट है इस टूर पे। ये एक टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट हमारे लिए रुकेगी नहीं, हम यहाँ पे 6 टेस्ट मैच की प्रिपरेशन करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है ये कहना कि हम एक नहीं, यानी कि हम 6 टेस्ट मैचेस के लिए आए, 5 जो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विराट कोहली ये चाह रहे हैं कि शायद जो दबाव है वो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। और वो 11 कौन सी है जिसका ऐलान कल शाम को ही टीम इंडिया ने कर दिया, और उस 11 पर अगर आप नजर डालें तो ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। और खास बात यह कि इस 11 के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे थे, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस 11 के बारे में जब मैंने कहा था आज से 10 दिन पहले, वही 11 आखिर में मुझे देखने को मिली। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दो स्पिनर्स के साथ आस्लाता उतरे हैं, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा। यह है आपकी 11 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खेलने वाली है। और इस टीम की अगर बात करें, संतुलन की अगर बात करें, तो युवा खिलाड़ियों के साथ साथ यहां पर अनुभव की भी कमी नहीं है, बड़ी संतुलित टीम है। लेकिन विराट ने जो कहा कि हम यहां पर 6 टेस्ट मैचेस खेलने आए, एक टेस्ट मैच नहीं खेलने के लिए आए, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। सीधा अपने संवाददाता वैभव भोला के पास भी चलता हूं, जो लगातार इस बात को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि हम एक नहीं 6 टेस्ट मैचेस खेलने आए। क्या दबाव हटाने की कोशिश थी वैभव अपने, कहीं ना कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इतना हाइप अप हो रखा है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या एक रणनीति है ये विराट कोहली की, ये कहना कि हम पूरी सीरीज खेलना है सिर्फ एक मुकाबला नहीं? सर देखिए, कल से जब विराट कोहली ने बयान दिया ना, तब कल से लेके आज तक मैं इस बयान को कई बार उनके इस बयान को सुन चुका हूँ, मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई। विद ऑल रिस्पेक्ट टू विराट कोहली, आप यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने गए हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है वो बाद में होनी है। ये बात सही है कि प्रेशर कई बार आप कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इस बात को याद, अगर थोड़ा सा एक बड़ी तस्वीर देखें, आज से जब 100 साल बाद बात होगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, पहला फाइनल किसने जीता था,
उसकी बात होगी या ये बात होगी कि इंडियन टीम जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने गई थी वो किसने जीती थी। तो मेरा मानना है, बिल्कुल ये मानना है कि भले ही विराट कोहली प्रेशर हटाना चाहते हैं, लेकिन ये जो बात है कि हम 6 टेस्ट मैचेस खेलने गए हैं, ये बिल्कुल मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात ने अपील नहीं किया। आप यहाँ पर फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो इकलौता मुकाबला आपकी नज़र पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार जाएं, उसके बाद आप इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज भले 5-0 से जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, थैंक यू वैभव, आपसे बात करेंगे दोबारा। बिल्कुल आपने अपनी बात एकदम स्पष्ट कर दी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहली नजर और सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 144 साल में पहली बार जो मौका मिला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने का, वो आप जीते। लेकिन इससे पहले कि ब्रेक में जाए, हम आपको बता दें कि रोजाना शाम हम आपके लिए लेकर आते हैं खास पेशकश हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम होते हैं आपके साथ, बातचीत करते हैं आपके साथ और हमारे साथ कई मेहमान भी होते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारा इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम लाइव हो। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि टीम इंडिया की जो 11 कल ऐलान की गई, क्या उसमें कोई अब मुश्किल हो सकती है मौसम को देखकर? क्या टीम इंडिया को इंतजार करना चाहिए था या नियमों के तहत ये पहली 11 का ऐलान करना जरूरी था? सब कुछ ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।